हेलो ऑल वेलकम, स्वागत है आपका वी एस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं अबू धाबी T10 ओवर्स की, जो कि इस सीरीज का ये छठा मैच होगा, जो कि टेट परसेस NW के बीच में होने वाला। ये मैच 30 नवंबर को शाम के 5 बजे होगा। बरसात की कोई चांस नहीं है। टीम अबू धाबी वर्सेस नॉर्थन वॉरियर्स के बीच का ये मैच वेनू शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी। पिच रिपोर्ट के आधे बैलेंस विकेट, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 108 का रहेगा। अगर टीम टेट की बात करें तो के मायर्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको। लास्ट मैच में इन्होंने 18 रन बनाए, एक ओवर फेंका जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। कप्तानी के लिए एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप देते हैं। अगर 30-35 रन बनाते हैं और लास्ट मैच में एक ही ओवर फेंका, कभी भी दो ओवर फेंक सकते हैं या नहीं भी फेंक सकते हैं। और अगर बॉलिंग कराते हुए अगर एक या दो विकेट ले जाते हैं और रन बनाते हैं, तो आपके कप्तानी प्लेयर हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ओपनिंग करते हैं, तो आप इनकी की टीम में ये होने चाहिए। हेल्स ने लास्ट मैच में 13 बनाए। टॉम बॉल्टन नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 2 रन बनाए। और लुइस डुपॉली की बात करें तो 47 रन बनाए थे इन्होंने, और ये एक अच्छे प्लेयर हैं। आपकी टीम में अगर आप टॉम बॉल्टन को नहीं ले रहे हैं, तो आपकी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए। आसिफ खान काफ़ी नीचे आते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इंग्राम बहुत नीचे आते हैं, ड्रॉप कर दीजिए। जब टॉम मायर, हेयर्स, बॉल्ट, वन टॉम, टू प्लेसी, आसिफ, जब ये एक आउट होंगे उसके बाद इनका नंबर आएगा, तो इनको आपकी टीम में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। डोन पेट्रोलेस एक अच्छे प्लेयर हैं, ये आपकी टीम में होने चाहिए। लास्ट मैच में 2 ओवर फेंके, 2 विकेट निकाले। अली शराफ लास्ट मैच में किसी भी तरीके से इन टीम को जो है अपना सहयोग नहीं दिया। इसके बाद आते हैं जेम्स फुलर, 1 ओवर फेंका विकेट नहीं। नूर अहमद 2 ओवर फेंके विकेट नहीं। रूम रईस, इन्होंने पहला ओवर फेंका था और 10वां ओवर फेंका था, तो ये आपकी टीम में होने चाहिए। ताइमन मिल्स भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप चाहें तो इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। स्टार्टिंग के ओवर रूम रईस, के माया, जेम्स फुलर, ड्वेन पिटोरियस, नूर अहमद, और डेथ ओवर में ताइमन मिल्स, नूर अहमद, ड्वेन पिटोरियस और रूमन रईस। तो रोमन रईस और पिटोरियस, ताइमिल्स शायद ये आपकी टीम में होनी चाहिए। अगर इस टीम से बात करें तो आप मायर, हेल्स, टॉम बॉटम, डू प्लेसी को टीम में ट्राई करें। इसके अलावा आप डोन पिटोरियस, रोमन रईस और ताइमिल के साथ भी जा सकते हैं, और चाहें तो आप नूर अहमद के साथ भी जा सकते हैं। सामने अगर बात करें तो NW की क्विनर नोइस, ये आपको विकेट कीपर सेक्शन से मिल जाएंगे। लास्ट मैच में 18 रन का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, जो कि एक अच्छा है। 10 ओवर के मैच में हजरतुल्ला जजई 20 रन, एडम होस लास्ट मैच में नंबर 3 पे आए थे, 10 रन बनाए। एंजेलो मैथ्यूज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने बॉलिंग से, बैटिंग से तो इनका खाता भी नहीं खोला, नंबर 4 पे आए थे। आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम का 22 कप्तान भी ले जा सकते हैं। कप्तान मायर सही रहेंगे, बैटिंग के साथ बॉलिंग का ऑप्शन। एंजेलो मैथ्यूज लास्ट बैटिंग के साथ बॉलिंग को, तो 22 कप्तान के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि मुंड्रो भी एक अच्छे प्लेयर हो सकता है कि कभी भी इन्हें प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि 10 ओवर में कभी भी कंफर्म नहीं होता है कि किस कौन सा प्लेयर किस नंबर पर उतरेगा। तो हो सकता है मुंड्रो को तेज़ी से रन बनाने के लिए मुंड्रो को नंबर 4 पर खिला दिया जाए, या हो सकता है कि सेम जो लास्ट मैच में खिलाई गई है लाइन आउट में उसी के से खिलाया जाए। और अगर इनकी चाल आती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में ये इतना ही अच्छा कर जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है एंजेलो मैथ्यूज भी हर मैच में 3 विकेट लेंगे। इसके अलावा नीशम 12 रन बनाए थे, 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट निकाले 2, आपकी पिछली टीम में होने चाहिए नीशम। अजमतुल्ला उमर जई की बात करें तो 1 रन बनाया बैटिंग करते हुए, 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए। अब्बास कोई भी किसी भी तरीके से टीम को सहयोग नहीं। शमसी 2 ओवर फेंके विकेट नहीं। अभिमन्यु मिथुन 2 ओवर फेंके विकेट नहीं। अंकुर संगवान विकेट बॉलिंग नहीं कराई। स्टार्टिंग के ओवर एंजेलो मैथ्यूज, अजमतुल्ला, उमर जई, नीशम, शमसी, और डेथ ओवर में अभिमन्यु मिथुन। मिथुन ने अपना 6ठा ओवर फेंका था, और उसके मतलब 5 ओवर के बाद जो 6ठे ओवर से स्टार्टिंग की थी, तो मिथुन आपकी टीम में होने चाहिए। शमसी, नीशम और एंजेलो मैथ्यूज, मैथ्यूज ने 10वां ओवर फेंका था। इन्होंने जो 3 विकेट निकाले थे अपने लास्ट के जो 10वें ओवर में ही निकाले थे, तो इसलिए हर मैच में तो आपको विकेट 3 नहीं मिलेंगे, इसलिए
फिर भी ये आपकी टीम में होने चाहिए। नंबर चार पे बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी टीम की बात करें तो अभी तक हमारी ये टीम है, आप चाहें तो एडम हॉस की जगह मुनरो को डाल सकते हैं अपनी टीम में, और कप्तानी वाइस कप्तानी में भी चाहे तो आप प्रेटोरियस को भी वाइस कप्तान के रूप में ले जा सकते हैं। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो हो सकता है प्रेटोरियस की चाल आ जाए बैटिंग करते हुए और सेकंड इनिंग में जो आपको बॉलिंग से पॉइंट दें। तो अभी तक की हमारी ये टीम है, कन्फर्म इलेवन नहीं है, हो सकता है कोई अगर प्लेयर नहीं खेले तो उसकी जगह कोई नया प्लेयर अगर खेलेगा तो उसे टीम में लिया जाएगा। आपको वीडियो में जानकारी दे दी गई कौन सा प्लेयर कहाँ उतर रहा है, कैसा परफॉर्म किया है, कितने ओवर डाल रहा है कौन सा प्लेयर। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।